स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर विनय जैन, कर्नल वेटरन्स श्री राम मोहन जी, कैप्टन राघवेंद्र एसएस, कैप्टन विवेक शिंदे, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, कर्नल पीके कपूर जी और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी हमारे भारतीय सेना के जवान, निवृत्त सैनिक, उपस्थित बोरिवली और आसपास के परिसर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम हमारे भारतीय सेना के आज के हमारे सैनिक, हमारे निवृत्त सैनिक सभी का आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम की कल्पना आज हमारे मन में ऐसी स्थिति नहीं थी। करीबन 10-15 साल पहले जब मैं अलग अलग कामों के लिए पूरे भारत में जाता था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिलते थे और लोग ये कहते थे कि मेरे घर के, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा मामा, मेरा बेटा ये सैनिक है। और सैनिक होते होते ऐसे भी कुछ व्यक्तियां मिली जिन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहीद हुआ और ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं हमारी वीर माता अनुराधा गोरे ताई को मिला। और अनुराधा ताई की जब बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हम सब काम करते हैं, राजनीति में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और उन्होंने जो बातें बताई कि सियाचेन के उस पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में जाने के पश्चात चट्टान खिसकने के बाद उनके बेटे की मृत्यु हुई जो सेना का जवान था, सेना का मेजर था। तो मैंने फिर खोजना शुरू किया, जिसको हम रिसर्च कहते हैं, और करते 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 पता लगा कि भारतीय सेना के जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं। फिर जिसकी बात हमने की कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर सेवन सिस्टर की बात आई, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर नागालैंड, सिक्किम की जब बात आई, और जब मैंने उन प्रदेशों का दौरा शुरू किया, राजनीति में काम करते समय एक बात होती है कि आपको जाने के लिए बहुत आसान होता है, और जब मैंने ये परिस्थितियों को देखते हुए इन जगहों का दौरा शुरू किया, मनोज जी ने बहुत सही कहा, हम सबको याद होगा जब हमने षणमुखानंद में वो कार्यक्रम जब किया था, जो बारिश थी, और वो कार्यक्रम था कारगिल की याद में, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो हम मनाते हैं, और उस दौरान मेरी और हमारे तभी की पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी की बात लगातार होती थी कि जब मैं अरुणाचल का दौरा करके आया, पिनोंग पोस्ट पे जाके आया, और मैं, कर्नल राजे, हम जब वहां पर से आ रहे थे तो हम तो विशेष रूप से वहां पर गए थे जो हमारे शहीद हंगप्पन दादा थे उनके हम घर गए। बताइए सर, अथर्व फाउंडेशन ये हमारी जो संस्था है कि लगातार पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना के जवानों के लिए लगातार बहुत सारे उपक्रम करती है, विशेष रूप से अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं वो शहीदों के परिवार के लिए लगातार अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत शक्तिशाली अगर है, ताकतवर है, तो हमारे भारतीय सेना के, थल सेना के, जल सेना के, वायु सेना के जवानों की शहादत पे हिंदुस्तान बना हुआ है, और इसके लिए अथर्व फाउंडेशन हमारी जो संस्था है वो लगातार भारत भर में काम करती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में हमने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, मेरा प्रवास भी भारत में नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके दार्जिलिंग तक, या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर के राज्यों में एम्बुलेंस देने का एक नई योजना हमने बनाई थी। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, जो देश के लिए 30-35 वर्ष सेवा देके आने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में वापस अपने घर में रहने को जाते हैं, उनके लिए आरोग्य की सेवा हो, उनके लिए उनके गाँव में, उनके पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसके लिए एक नया उपक्रम हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहले बार मणिपुर में एक एम्बुलेंस हमने भेंट दी थी। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागालैंड और सिक्किम के राज्यों के लिए जो हमारे पूर्व सैनिक राज्य बोर्ड है, जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के तहत
ये दो एम्बुलेंस हमने आज यहाँ से उनको भेंट कर दी है। आने वाले समय में मिजोरम, मेघालय, सिक्किम जो है और दार्जिलिंग, यहाँ पर की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस की वो भी हम करने वाले हैं। और ये उपक्रम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चलते रहता है। कर्नल कपूर साहब हमारे साथ हैं, कर्नल राजे, कर्नल चौचे, ये लगातार हमारे साथ काम करते रहते हैं। भारत की विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी पूर्व सीमा के पार चीन है और लगातार चीन की पास से आने वाले आतंकवादी या फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से आने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार हमारे सेना के जवान लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बहुत बार हमारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद होते हैं। उनके शहीद होने के पश्चात उनके परिवार को ये लगे कि पूरे देश पूरी सच्ची श्रद्धा और सम्मान जताने का काम करते हैं। इसके अलावा और भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे? सुविधाएं तो हम लगातार बहुत सारी करते हैं। जैसे हमारे शहीद जवानों की बेटी को पढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश भर में चलता है। लेकिन इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमने एक आधुनिक कल्पना, एक नई कल्पना हमने सोची थी कि हमारे शहीद परिवारों के घर में जो बेटियां हैं उनको आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पढ़ाने के लिए हमने कंप्यूटर का वितरण शुरू किया था। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से जब हम वहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट में डायरेक्टर इस नाते आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नेतृत्व में काम करते थे, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, अथर्व फाउंडेशन और हमारे मित्र परिवार, इनके माध्यम से करीबन 350 से 400 कंप्यूटर का वितरण का काम पूरे देश भर में शहीदों की बेटियों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। उसका काम शुरू है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम से लेके दूर दराज इलाके में यानी बॉर्डर तक, होशियारपुर तक, गुरदासपुर तक हमारे अथर्व फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन बेटियों के पास पहुँचते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कंप्यूटर का वितरण करते हैं। आपकी तरफ से जो अच्छी ये हम देते हैं, जो पूर्व सैनिक है जिन्होंने इस देश के लिए पिछले एक दो नहीं तो 30-30 साल सेवाएं दी है, यानी आप विचार करो मणिपुर में जो हमारे कर्नल सिल्थो है जिन्होंने उम्र के 20 साल में वो सेना में भर्ती हुए थे, जब रिटायर हुए कर्नल इस नाते तब उनकी उम्र 58-59 साल थी, 2 साल उन्होंने और काम किया, यानी 61 की उम्र में वो वापस आए अपने गांव में मणिपुर में। और अब एम्बुलेंस जो पूर्व सैनिक बोर्ड होता है, जिला सैनिक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से वो अभी एम्बुलेंस उनके कार्यालय में लगी हुई है। तो ये एम्बुलेंस हमारे पूर्व सैनिकों के हाथों में रहती है और हमारा पूरा विश्वास है जो सैनिक अपने देश की सीमा, देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, अगर वो वहाँ से वापस लौटता है तो देश की सेवा करने के बाद 30-35 साल किसको कहते हैं, 35 साल दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान जब वापस आता है तो सब नियमों का पालन करते हुए सभी नागरिकों को सोई अलग अपने विभागों के माध्यम से, जिला सैनिक बोर्ड यानी जो निवृत्त सैनिक होता है उसके लिए विविध योजनाएँ से सरकार कोई भी हो, सरकार ये सब योजनाएँ करती रहती है। Thank you.